आज का हमारा टॉपिक है कोचिंग सेंटर्स को लेकर आने वाले नए कानून, नई गाइडलाइंस के बारे में। कई पेरेंट्स को अभी तक क्लियर नहीं है, बहुत से कोचिंग सेंटर्स को भी क्लियर नहीं है, और पेरेंट्स के मन में डर है कि हमारा बच्चा अगर 16 साल से कम का है तो हम उसे पढ़ाएं कैसे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कम पढ़े लिखे होने की वजह से अपने बच्चों को घर पर नहीं पढ़ा सकते। तो हमारा मिलना आज आमिर सर से इसी सिलसिले में हुआ है, और हम बात करेंगे अब इस नई गाइडलाइन के बारे में। तो आमिर सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में। और आज मैं जो आपसे मिलने आया हूँ वो नई गाइडलाइंस के बारे में मिलने आया हूँ कि ये सब क्या हुआ अचानक से, सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि नए कानून, नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी है। ओके, 16 साल से कम का बच्चा अगर कोचिंग नहीं जाएगा पढ़ेगा कैसे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है जी। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है इस बात की कि इन गाइडलाइंस की आवश्यकता क्या है, इन गाइडलाइंस की ज़रूरत क्या है, फिर हम बात करेंगे कि ये गाइडलाइंस हैं क्या। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन गाइडलाइंस की ज़रूरत क्या है। मेन पॉइंट ये है कि इन गाइडलाइंस को बनाने के पीछे गवर्नमेंट का सिर्फ एक मकसद है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अनैतिक तरीके से चल रहे हैं, या जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ये जो बिज़नेस है, कोचिंग बिज़नेस, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है और फॉल्स प्रोमिसेस करके कोचिंग को चलाया जा रहा है, उनके ऊपर एक लगाम लगाई जा सके, एक फ्रेमवर्क, एक रूल्स रेगुलेशंस ऐसे तैयार किए जा सके, या एक ये समझिए कि मिनिमम क्राइटेरिया ऐसा तैयार किया जा सके जिसे हर कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो करे और हम बच्चों को कुछ गुणवत्ता शिक्षा दे पाएँ। अब हम बात करते हैं कि ये गाइडलाइंस है क्या। देखिए, गाइडलाइंस को लेकर बहुत सारे मिथ चल रहे हैं और बहुत सारे बातें हो रही हैं। गाइडलाइंस के अंदर बहुत कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक मेन पॉइंट है गाइडलाइंस के अंदर, और वो ये है कि गाइडलाइंस आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपके कोचिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपका इंस्टीट्यूट आता है, तो उस दायरे में आपके कोचिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब है ये गाइडलाइंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि परचून की दुकानों की तरह कोचिंग सेंटर खुलते जा रहे थे, गली मोहल्ले हर जगह कोई भी आया और कोचिंग खोलकर बैठ गया, 10-20 बच्चे भरे, और वो स्टडी कैसी, एटमॉस्फेयर कैसा है, फर्नीचर कैसा है, माहौल कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं। अब गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पाए, बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल पाए, बच्चों की साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग है वो भी ग्रो हो पाए। अब आपने देखा होगा कि कोटा के अंदर बहुत सारे सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। जी हाँ। जब ये गाइडलाइंस के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें आया था कि सरकार ने इसलिए ये कदम उठाया है कि बच्चा सुसाइड ना करे। बच्चा सुसाइड करता क्यों है, उसका रीज़न क्या है? देखिए, बच्चे के सुसाइड करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। बच्चे को एग्ज़ाम्स को लेकर या कुछ और चीज़ों को लेकर हद से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाना। अब बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे हैं जो बिना किसी मोटिवेशनल सेशंस के, बिना कोई साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के बच्चों को भरे जा रहे हैं, कोचिंग कराए जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट उस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं, दैट्स वाई बच्चों के सामने हमें लगता है कि शायद कोई और ऑप्शन ना बचता हो और बच्चे सुसाइड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, और गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर साफ तौर पे दिया भी है ये कि आपको रेगुलर बेसिस पर मोटिवेशनल सेशंस या जो साइकोलॉजिकल सेशंस होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं या आपके साइकोलॉजिकल सेशंस लेने वाले होते हैं, उनकी आपको मैन पावर अपने पास में रखनी होगी जिससे कि बच्चों को समय समय पर इन सारे स्ट्रेस से निजात पाने के लिए तैयार किया जा सके। अच्छा सर, बात आती है 16 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा जी, या कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं पढ़ाएगा जी। अब बहुत से पेरेंट्स हैं नहीं पढ़ा सकते जी, आप ये कह लो वो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, या उनके पास टाइम नहीं है जी, कैसे होगा फिर ये? काशिप जी, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि अभी हम बात कर रहे थे कि गाइडलाइंस हैं क्या। मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता दूं कि गाइडलाइंस हैं क्या। बिल्कुल। अब जैसा कि हमने बात की कि गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा नहीं है, गाइडलाइंस सिर्फ एक है कि आपके कोचिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गाइडलाइंस आने के 3 महीने के अंदर अंदर। अब मेन पॉइंट ये होता है कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कौन कौन सी बेसिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, उन सारी वो सभी जो आप पूछ रहे हैं उन सब का जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएगा जी। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट
50 स्टूडेंट से ज़्यादा एनरोल करते हैं, 50 बच्चों से ज़्यादा पढ़ाते हैं, वही इन गाइडलाइंस के अंदर या रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। जो 50 स्टूडेंट से कम पढ़ाते हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी वो चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे एज इट इज जैसे। हाँ, वो एक ट्यूशन क्लासेस की तरह हो गया है, जैसे आप किसी को सपोर्ट करने के लिए ट्यूशन क्लासेस दे देते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि जितनी भी डांस क्लासेस आती हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं या थिएटर्स होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पर चलते रहेंगे, वो इन गाइडलाइंस के अंदर नहीं आते हैं। थर्ड ये है कि किन कोचिंग्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब देखिए, एक बड़ी मेन बात इसके अंदर आती है कि बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बुला लेते हैं, लेकिन उनके जो पास में एडुकेटर्स हैं वो खुद एडुकेटेड नहीं हैं। लाइक 12th करने के बाद या BSc फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर करे हुए जो एडुकेटर्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ बच्चों के एजुकेशन के साथ, क्वालिटी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस में, यानी रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी के लिए, सबसे पहला पॉइंट यही निकाला है कि आपका कोई भी एडुकेटर मिनिमम उसके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब उसके पास में मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि वो ग्रेजुएशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सेकेंड पॉइंट यह है कि आप बच्चों के साथ में कोई भी फॉल्स प्रॉमिस या कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि, या कोई अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर ऐसा पॉइंट नहीं डालेंगे जिससे ये पता चलता हो कि भई आप बच्चों को अच्छी रैंक दिला देंगे या अच्छे मार्क्स दिला देंगे, जिससे बच्चा एक अनअप्रोप्रिएट तरीके से स्ट्रेस में आए, वो चीज़ ना हो पाए। मतलब फॉल्स प्रोमिसज नहीं होने चाहिए, जो लोग फॉल्स प्रोमिसज करते हैं वो रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो पाएगा। नंबर 3, जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको लेकर भी कई सारे मिथ है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो 9th या 10th क्लास में हैं, जिन्होंने सेकेंडरी एग्जाम पास नहीं किया है, वो कोचिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर वही बच्चा 11th या 12th यानी सीनियर सेकेंडरी में है, तब वो कोचिंग के लिए एलिजिबल है। यानी इसके अंदर पॉइंट डाला गया है कि अगर आपका बच्चा 16 साल से कम उम्र का है और वो 11th या 12th क्लास में है, तो वो कोचिंग के लिए एलिजिबल है, वो कर सकता है, बिल्कुल वो कर सकता है, लेकिन 9th-10th के स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, आपके जो ब्रॉचर्स हैं, आपका जो फीस स्ट्रक्चर है या आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी प्रॉपर एक वेबसाइट होनी चाहिए और उस वेबसाइट के ऊपर आपका पूरा डेटा अपलोडेड होना चाहिए, आपके सभी एडुकेटर्स का डेटा अपलोड होना चाहिए, उनके क्वालिफिकेशंस का डेटा अपलोड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस में दी है कि वो लोग ही रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे जो ये सारी चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। ठीक ठीक जी। तो अभी ये मान के चलें कि जैसे आपने बताया, अगर किसी कोचिंग में 40 या उससे कम बच्चे हैं वो पढ़ा सकता है, वो अभी तक हमारे पास में जो जानकारी है या जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई है, ये सभी गाइडलाइंस जो आपने निकाली हुई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं वो यही है कि कोचिंग के अंदर उसी इंस्टीट्यूट को कंसीडर किया जाएगा जिसके पास में 50 स्टूडेंट से ज्यादा की स्ट्रेंथ है। ठीक ठीक जी। यानी 16 साल से कम उम्र का बच्चा किसी ऐसे जगह से अपनी कोचिंग ले सकता है जिसकी स्ट्रेंथ 40 या उससे कम हो। नहीं नहीं, बच्चा कोचिंग के अंदर उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, 16 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग कहीं से नहीं ले सकता है, ना वो ट्यूशन क्लासेस से कोचिंग ले सकता है, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले सकता है, यानी एक होम ट्यूटर ही ऑप्शन बचता है। हाँ, ये एक होम ट्यूटर का ऑप्शन हमारे पास में बच जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को कोई ऐसा भी सिस्टम बनाना चाहिए जी, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें परेशानी है कि पढ़े लिखे नहीं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जॉब प्रोफाइल है, हस्बैंड वाइफ दोनों, और उनका बच्चा कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। गवर्नमेंट इस चीज के लिए ऊपर काम कर रही है और गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने काफी पॉइंट दिए भी हैं कि हम लोगों ने एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं, जो बच्चे 9th-10th से प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने ये ऐप्स दिए हैं, आप इन एप्लीकेशन के जरिए पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का नहीं है कि बच्चा सीधा एप्लीकेशन से या इन चीज़ों से पढ़ पाए। तो हमें भी लगता है कि 9th-10th के बच्चों को कोचिंग के लिए गवर्नमेंट को और कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, जिससे कि 9th-10th का जो बच्चा है वो अपनी पढ़ाई में सफ़र ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, हयात तो सभी चीज़ों को पूरा करता है, सभी गाइडलाइंस को जी, और मुझे पता भी है कि हयात की जर्नी मैंने देखी है, कहाँ से हयात शुरू हुआ था और आज कहाँ पर है, एक अपने एक अलग ही मकाम पर है जी। शुक्रिया, बहुत ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए।